हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगेन मैं आप लोगों के लिए मीशो से ज्वेलरी हॉल लेकर आ गई हूँ। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है ज्वेलरी हॉल मेरा, तो अभी तक बहुत सारे ज्वेलरी हॉल निकल गए हैं, आपसे मिस हो गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मीशो का प्लेलिस्ट दे दूंगी, जाकर जरूर चेक करिएगा। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल ज्वेलरीज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। और कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कोड्स विद लिंक्स दे दिए हैं, और डाउनलोड कर लेना मीशो को, आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पर अप टू 50% या 100 rupees तक का भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए गाइस, फर्स्ट ज्वेलरी से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर की है अपने लिए इतनी बिग। वो है नोज रिंग पिन तो नहीं है एक्चुअली, वो नोज नथ जिसको हम बोलते हैं, बहुत बिग वाली, या तो मैंने शादी पर पहनी थी या करवा चौथ पर भी मैंने पहनी थी, बट अब मेरा ये वाला बहुत मन था पर्ल में, तो ये वाली मैंने ऑर्डर की है गाइस। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है ये, पर्ल में है। इसकी एक्चुअली ना क्वालिटी देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और नीचे पिक्चर्स वगैरह इमेजेस में भी मेंशन की होती ना, तो वो मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ऑर्डर कर ली। बट एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, पहले तो आप इसकी ना फिनिशिंग देखिए कितनी ज़्यादा प्रिटी है। सी, इस तरीके से है एंड यहाँ पर लगाने का है, एंड इसमें ना एक्चुअली क्या है, मुझे लगा कि ये ऐसे ही जस्ट अटक जाएगा, ये ऐसे है खुलने वाला, बट ये ना इसके लिए आपकी नोज पियर्स होनी ज़रूरी है, जो कि मेरी नहीं है, तो बट ये मैंने रख लिया यार, मुझे अच्छी लगी। मैं कभी जब करवाऊंगी तो मैं डेफिनेटली इसको वेयर करूंगी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। सी, आप इसकी क्वालिटी देखिए, बहुत अच्छे पर्ल्स हैं, एंड यू नो बहुत लाइट वेट है, अच्छी लगती है वेयर की ना, आप ऐसे ही देख लो। एंड अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं, हाईली रिकमेंड करूँगी। सी, बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत बिग भी नहीं है, बहुत स्मॉल भी नहीं है, पैकेजिंग बहुत अच्छे से आई है इस तरीके के बॉक्स में ना, एंड अफोर्डेबल है, आई थिंक 150 की, वेरी गुड। चलिए, पहले मैंने अपने लिए ना ऑक्सीडाइज ये दो बैंगल्स का सेट मंगवाया गाइस, बहुत लाइट वेट है एंड बहुत यू नो अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुए हैं। एंड इसमें मेरा ना, मैंने अपने लिए 2/4 ही लेती हूँ, बट ये 2/4 मुझे आ तो गया, बट बहुत ज़्यादा फिटेड उसमें आया है। सी, इसमें ना रेड और ग्रीन कलर के स्टोन्स हैं, एंड ये ना जो जर्मन सिल्वर होता है ना, जो थोड़ा ब्राइट वाला होता है उसमें है। सी, आ तो गया है, बट यू नो बहुत ज़्यादा ना उसमें आया है, मतलब बिल्कुल फिटेड उसमें ना, और फिटेड में ही अच्छी लगती है। सी, ये भी मैंने मीशो से ली थी, तो इसका भी हॉल वीडियो चेक करना मेरे चैनल पर, ये भी बहुत प्रिटी है। एंड ये बहुत ना बहुत डेलिकेट सी है, डेलिकेट मतलब बहुत सॉफ्ट सी और बहुत लाइट सी, बहुत लाइट वेट है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये, दोनों हाथ में आप इसे वेयर करें, चाहे आप इसको दोनों एक ही हैंड में वेयर करें, बहुत ज़्यादा प्रिटी है गाइस, सीरियसली। इसे तो मैं आपको बोलूँगी आप जरूर जरूर अपने कलेक्शन में ऐड करो, एक तो अफोर्डेबल है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। सी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने ना अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रिटी से ना, ये बहुत यू नो आजकल ट्रेंडिंग थे ये वाली इयर रिंग, से मैंने सोचा अपने लिए भी मंगवाती हूँ। चेरी में है गाइस, ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल एकदम रियल चेरी लगते हैं, पहना हुआ ना बहुत ज़्यादा प्रिटी है। मैं इसी के साथ आपको वेयर करके दिखा दूंगी। सी, जो चेरी का कलर होता है ना, जैसे ओम्ब्रे उसमें होता है, ऊपर से डार्क होता है एंड नीचे से लाइट, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। सी, बिल्कुल, एंड यू नो इसको वेयर कैसे करेंगे, इसको जस्ट आपने ना यहाँ से निकालना है, और इसके अंदर सी छोटा सा ये होल है, एंड इसके अंदर जस्ट आपको ऐसे पहन कर ऐसे डाल देना है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत यू नो जैसे जो कोरियन लड़कियाँ पहनती हैं ना, उस टाइप से हैं, बहुत प्यारी लगते हैं यार पहना हुआ। ट्रस्ट मी, आप इसे ग्रैब जरूर करो, जरूर आप पहनो, बहुत ही अच्छे यू नो। चलिए गाइस, नेक्स्ट ज्वेलरी देखते हैं। उससे पहले ना मैंने अगेन अपने लिए ज़ूक से शॉपिंग की है। यस, अपने लिए नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली में ही किसी का बर्थडे आने वाला है, जो कि वर्किंग है, ऑफिस जाते हैं, मेरी सिस्टर है, तो मैंने उनके लिए बैग लिया है। सी, इस बार मैंने ना डिफरेंट यू नो अभी ये न्यूली लॉन्च उसमें से है, तो मैंने ये वाला ट्राई किया, बिकॉज इस तरीके के ऑफिस बैग्स मेरे पास बहुत सारे हो गए, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बिग है ये गाइस। जैसे कि हम सब जानते हैं ज़ूक एक यू नो इंडियन ब्रांड है और पेटा अप्रूव्ड है, इनका कोई भी प्रोडक्ट जो है ना यू नो कोई एनिमल से रिलेटेड नहीं होता है, सारा ही जितना भी आप लेदर देख रहे हैं ना, ये सब वीगन लेदर है, वीगन प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, हैंडमेड होते हैं, जूट से बने हुए होते हैं, एंड प्रिंट आप देख रहे हैं हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से ये
प्रिंट इन्होंने दिए हैं। मैंने गाइस बहुत सारे कलेक्शन आपके साथ शेयर किया हुआ है, अपने लिए आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप ज़रूर चेक करिएगा। बाकी यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, मल्टीपल आपको बैग्स मिल जाएंगे, बोहो बैग मिल जाएगा, यू नो आपको टोट बैग मिल जाएगा, ऑफिस बैग मिल जाएगा। एंड ये वाला बैग पता है ऐसा है कि इसमें ना आपका लैपटॉप ईजिली आ जाएगा। और भी मैंने प्रीवियस बहुत सारे यूज़ कर रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितना स्पेस है। मैं इसमें से पेपर निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कितना स्पेशियस है। एक्चुअली ये ना लैपटॉप बैग है, सी इसमें आपका लैपटॉप भी इजीली आ जाएगा। सी यहाँ पर आपको दे रखा है, नीचे स्पेस होता है ना, इसको आप हटाएंगे बाकी नीचे आपका लैपटॉप आ जाएगा। ये फोन उसमें है, सी आप देख सकते क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइज। सी यहाँ पर आपको मिलती है जिप गाइज, अलग से आपको लैपटॉप कैरी करने की जरूरत नहीं है, लंच बैग कैरी करने की जरूरत नहीं है। सी कितना ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी A1 है, A1। यहाँ पर भी आपको दो कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, कोई स्टेशनरी वगैरह आपने रखनी हो ना, सी ये आपको कंपार्टमेंट मिल जाते हैं गाइज, हाईली रिकमेंड करूंगी। एक और मैंने बैग लिया है मैंने अपनी मदर को गिफ्ट करने के लिए ना, एक्चुअली बैग नहीं है ये है क्लच, तो आप देख सकते हैं ये आपका वॉलेट है, तो ये कुछ इस तरीके से है। ये वाले प्रिंट में ना मैंने बहुत सारे यू नो एक तो टोट बैग ले रखा है, ऑफिस बैग लिया हुआ है, यहाँ पर आपको जिप मिलेगी, सी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है। इनफैक्ट मोबाइल भी आ जाएगा, सी एंड अलग से कुछ रखना चाहते हैं ना कॉइन वगैरह, सी अंदर से क्वालिटी आप देख सकते हैं, कार्ड्स वगैरह रखना चाहते हैं यहाँ पर आपके सारे कार्ड्स आ जाएंगे, कैश आ जाएगा आपका, अंदर एक जिप भी दिया हुआ है गाइज, बहुत अच्छी क्वालिटी है ट्रस्ट मी। मतलब अगर आप इसमें से कुछ भी बाय करते हैं ना, कुछ भी अच्छा लग रहा है, ये तो मैंने गिफ्ट के लिए मंगवाया है, अपने लिए भी बहुत सारे यू नो लिए हुए हैं, चैनल पर जाकर जरूर चेक करना। बाकी अगर आप मेरे दिए हुए कोड से बाय करते हैं तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड मैं यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, विच इज YT, और मेरे चैनल का नेम है रजनी स्टाइल टिप्स 12। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो जरूर चलेगा। नेक्स्ट ज्वेलरी देखते हैं, जो कि मैंने कुछ और सोचकर मंगवाया था बट आया कुछ और, मतलब इतना ख़राब नहीं है बट मुझे एक चीज़ है जो उसमें पसंद नहीं आई, इस तरीके के पैकेजिंग में आई है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है एंड क्वालिटी ठीक है, बट मुझे एक चीज़ है बस जो मुझे ठीक नहीं लगी, सी ये है ना, मैं बहुत टाइम से गाइज बहुत टाइम से इतने बिग पर्ल में ना मैं अपने लिए नेकलेस ढूंढ रही थी। मतलब मेरे पास है बहुत सारे पर्ल की, बहुत सारी ज्वेलरीज मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, बट ये ना इससे थोड़ा साइज में छोटा था, बट मुझे ना थोड़े बिग उसमें मुझे लेनी थी, तो मुझे मीशो पे देखी बहुत अफोर्डेबल, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसको ट्राई करते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, पर्ल के बीच बीच में ना ये सिल्वर कलर के छोटे से छोटा सा पर्ल है, जो कि मतलब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। मैं चाह रही थी कि पूरा पर्ल में, हालांकि दूर से इतना नहीं पता चलेगा बट स्टिल, बट क्वालिटी वाइज ठीक है, इतनी बेकार भी नहीं है। एंड इसके साथ ना अलग से ये वाले लॉन्ग में पर्ल में इयररिंग दिए हुए हैं, जो कि अलग वेबसाइट पर, अदर वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो इसकी कॉस्ट ही उतनी है जितना इस पूरे सेट की है। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड इसे कर सकती हूँ, अगर आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं हो ना तो मे भी हो सकता है मैं रख लूँ, क्योंकि आई थिंक 150 के आसपास है गाइज, इतना बुरा भी नहीं है। मैं इसे आपको ट्राई करके दिखा दूंगी इसके साथ ही, बहुत अच्छा लगेगा। पर्ल की ज्वेलरी तो ऐसी है ना कि आँख बंद करके आप ट्राई कर सकते हैं किसी भी आउटफिट के साथ, तो आप देख लेना, अगर आपको इसका कोई इशू नहीं होता ना तो आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट ज्वेलरी देखते हैं गाइज, जो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा, बट उसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी आई है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, बट इट्स ओके यार, हमारे पास बॉक्स बहुत सारे होते हैं। बट इसकी इसका जो सेट आया है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब आप इसे चाहे वेस्टर्न आउटफिट के साथ पहने, चाहे आप इंडियन यू नो सूट्स वगैरह के साथ पहने, तो ये है कुछ इस तरीके से नेकलेस, मतलब पेंडेंट, पूरा पेंडेंट क्या पूरा नेकलेस टाइप में है ब्लू कलर में, एंड सेम मैचिंग में ही आपको फ्लावर में इयररिंग्स दे रखे हैं, बीच में ब्लू कलर का स्टोन है। गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है बैग से इस तरीके से, एंड ये जो क्वालिटी है ना ये शाइनिंग वाला गोल्ड नहीं है, थोड़ा सा मैट मैट फिनिशिंग आ रही है, सी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सी ब्लू कलर में ना ज्वेलरीज बहुत कम आती है, सी कितना अच्छा लग रहा है ना इसके साथ भी, अच्छा लग रहा है बहुत। नेक्स्ट और जो लास्ट ज्वेलरी है, ज्वेलरी नहीं एक्चुअली वो पेंडेंट मैंने लिया है, और वो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, फाइनली मुझे मीशो पर दिख गया। ये है आपका एविलाई में, सिर्फ पेंडेंट है ये, एंड ये मैंने सिल्वर कलर में मंगवाया है, इसमें आपको गोल्डन भी मिल जाएगा, बट ये मैंने सिल्वर कलर में इसलिए मंगवाया है क्योंकि
मेरे पास ना सेम इसी के साथ के मैचिंग ना स्टड्स हैं बहुत छोटे छोटे, तो मेरा एक्चुअली वो पूरा सेट हो गया। ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो, और कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।